यार ये जो मैंने टीजर देखा है इससे तो यार मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं हमारे जमीन पे कब्जा ना कर ले, तो बड़ा खतरनाक है। एक काम करते हैं ना, सलमान भाई के घर पे चलते हैं और पूछते हैं कि ये चीज़ें जो फिल्म में दिखाई जा रही है ये चीज़ें सही है भी या नहीं। चलो सलमान भाई, यार कंफ्यूजन हो रही है कि जो टीजर अभी दिखाया जा रहा है तेरी बहन की लग। क्या ये चीज़ें सही है गलत है। ये कहाँ यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सच में। लेकिन यहाँ पे यार एक और डाउट क्रिएट हो रहा है कि अगर ये सारी चीज़ गलत है तो यार सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया इसको। ये हुई ना बात। अबे भाई एक बात बता, सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो पास क्यों नहीं होगी? जो सरकार चाहेगी वही होगा ना। हाँ खैर भाई, ये तो बात तूने सही कही है, बीजेपी साली है इतनी बेकार। जिस साले मतलब जब से 2014 से आई है ना, तब से हिंदू मुस्लिम बस इतना ही लगा रखा, और कुछ ही भी नहीं। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, विकास के बारे में सोचना ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम इसी पे वोट इकट्ठा करे जा रहे हैं। और ये तू भी जानते हैं कि यही हो रहा, लेकिन हम दोनों में देख भाईचारा है, हम दोनों क्या कभी लड़े? सही पकड़े हैं। अरे ऐसा कैसे यार, हम लड़ जाएंगे, अब तो जिगरी यार हैं, 10 क्या 20 साल से हमारी दोस्ती है। तो फिर सलमान भाई एक बात बताओ यार। हाँ पूछ। जब मैंने टीजर देखा था तो उसमें ये दिखाया था कि मतलब कोई व्यक्ति है जो जिसका खेत है, गांव है, वहां पे किसी ने मजार बना दिया और वहां बोर्ड लगा दिया, तफका ही है, और उसको अपनी जमीन साबित करने के लिए उसी के कोर्ट में जाना पड़ता है। ऐसा कुछ है भी या ऐसे ही दिखा रहे हैं फिल्म में? ऐसा कुछ नहीं होता यार। अच्छा तू एक बात बता, तेरी जमीन है ठीक है, तेरी जमीन अगर कोई ले लेता है तो तू अपनी जमीन के लिए लड़ेगा नहीं लड़ेगा? बात तो सही है। क्यों नहीं लड़ूंगा यार, कैसी बात कर रहा है, मैं तो जमीन लेके रहूंगा। तो सेम वही चीज होगी कि वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प ली होगी, अब वक्फ बोर्ड जो है अपनी जमीन को वापस ले रहा है, इसमें क्या गलत है? मुझे तो लगता है कि साले फिल्म वाले किसी ना किसी दिन दंगा करा के मानेंगे, बड़ा तगड़ा वाला दंगा होगा। और टीजर में साले ये भी दिखा रहे, देखो भाई मुझे भी ऐसा लगता है गलत ही दिखा रहे होंगे, कि 20 गांव की जमीन भैया हड़प ली उन्होंने। कहाँ की? तमिलनाडु की। ये तो भैया बिल्कुल ही सफेद झूठ है। अच्छा सलमान भाई एक बात और पूछनी थी, ये इस्लाम को आए हुए कितने साल हो गए? वैसे तो 1500 साल बताए जाते हैं, तो इस्लाम के कई साल आने के बाद ही ये वक्फ बोर्ड बना होगा। हाँ बिल्कुल, कैसे बात कर रहा है यार, और वक्फ बोर्ड वैसे भी हर एक देश में नहीं है। हाँ बिल्कुल, टीजर में ये भी दिखाया है कि 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड ने हथिया रखा है। ओहो, ये देखो यार, ये जो Oh, इसके बारे में अभी कहाँ कहाँ नहीं जा सकता, पता नहीं ये तेरे को बताया ना, झूठ, सारी चीज झूठ दिखा रहे, इस पे गलत है। सलमान भाई एक सच बात बताऊं यार, पता नहीं मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है टीजर को देख के। अबे तुझे क्या डर लग रहा है अबे, कि कहीं हमारे प्रॉपर्टी पे कोई ऐसे बोर्ड ना लगा दे और कब्जा कर ले? अबे नहीं क्या बात कर रहा, ऐसा होगा तो साथ देगा ना तू? तो यार मेरा देख, 10 क्या साल है, 20 साल पुराना दोस्त है। हाँ क्या बात कर रहा, तेरा भाई है यार, बिल्कुल खून खून का रिश्ता यार अपना, तो खून खून का। अच्छा सलमान भाई एक मिनट यार, कॉल आ गया, ये किसका आ गया? हाँ देख देख किसका, बात कर ले। ओहो अमित, हेलो। हाँ अमित भाई क्या बात कर रहे यार? अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, वक्फ बोर्ड मेरी जमीन ले नहीं सकते यार, मैं तो उसके लिए खड़ा हूँ, निकलना पड़ेगा यहाँ से मुझे लग रहा है। अबे क्या बात कर रहे हो, होटल ले गया साला? अबे भाई वही तो कमाने का जरिया था मेरा, घर पे भी आ रहा है ये, फिर तो यार हम तो रोड पर आ जाएंगे। अच्छा, एक मिनट रुक जा रहा है, कुछ नहीं होना, सलमान भाई अपने पास है ना, अपने दोस्त सब कर देंगे सही। ये तो साला मेरे नाम ले रहा, अभी क्या करूँ मैं, साले कोई साथ नहीं देगा वो। अबे नहीं, हमारा भाई साथ देगा यार, साथ देगा, ऐसी क्या बात कर रहा है, कुछ ना कुछ बहाना बताना पड़ेगा यार। तो वे अपना पुराना दोस्त है मानता हूँ, तो कट्टर सनातनी है, तो इन चीज़ों को देखता है, लेकिन यार हम भी सेकुलर हैं, हम चीज़ों को देखते हैं दोनों नज़रिए से, हम देखते हैं, हमारा दोस्त है मानेगा, सलमान भाई है हमारा, सब मैनेज कर देगा वो। जहाँ बैठा ट्राई करके देख सलमान भाई चलना यार, जमीन में पता नहीं कौन साला बोर्ड वोर्ड गाड़ के गया, कह रहा कि हमारी ज़मीन है। चलो अरे यार तेरी ज़मीन है तू देख, मैं क्या करूँगा यार उसमें जा करके, तेरी ज़मीन है तू अपना सबूत तबूत दे अपने हिसाब से लड़। यार तूने अभी बोला है कि अपने 20 साल पुराने दोस्ती में तेरा साथ दूंगा हमेशा, और अब तू ऐसे कर रहा तुरंत तुरंत? यार साथ तो तेरा देख अभी भी दूंगा मैं, हमेशा दूंगा,
लेकिन जमीन तो तेरी ना, लड़ना तुझे पड़ेगा। अब देख सबूत देगा तो तेरी जमीन वापिस हो जाएगी। इसमें अब देख मैं क्या करूँ। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अबे यार तू जानता नहीं क्या, तू साले 20 साल से मेरा दोस्त है, मेरे बाप की जमीन है वो। साले 60-70 साल से अपनी जमीन हमने लिए पड़ी है। भाई देख तू बुरा मान या भला मान, मेरी बस की नहीं जाना। मैं तो भाई अपने काम से जा रहा हूँ, तुम जाओ तुम अपना लड़ो। शिट सारे ने दिखा दी अपने औकात आखिरी टाइम पे।